नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार सरकार ने अभी बीच में ही आरक्षण के दायरे में जो बढ़ोतरी की, वो आरक्षण का स्लैब कल नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद अब आज भी नहीं है। कल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर बहाली निकाली। चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करने का बढ़ चढ़कर दावा किया गया है, यानी अगले 10-12 महीने में नौकरी की बहार आने वाली थी। लेकिन जब आरक्षण रोस्टर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिए गए फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया, अब पेंच फंसा कि नौकरी देगी सरकार तो आरक्षण का दायरा क्या होगा, और अगर इंतजार लंबा हुआ तो चुनाव में कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। इधर कुआं तो उधर खाई वाली स्थिति है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या 65% आरक्षण पर रोक से बहाली पर भी ब्रेक लग जाएगा। और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे आपका सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं, और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं। सबसे पहले तो अजीत जी, सवाल आपसे, और सवाल ये कि अब नियुक्तियों का क्या होगा, और आरक्षण को लेकर सरकार ने जो ढिंढोरा पीटा था कि हमने ये किया वो किया, इस वर्ग के लिए इतना सोचा, उस वर्ग के लिए उतना सोचा, अब तो सब धराशायी हो गया। सबसे पहले तो आपने जो बोला कि दो प्रश्न आपसे निकल के आया कि नियुक्तियों का क्या होगा और ढिंढोरा पीटा। ढिंढोरा कभी नीतीश जी नहीं पीटे हैं, ठीक है। नीतीश जी की हमेशा नीति रही है कि जो भी समाज में जिस अनुपात में आबादी है जैसे, तो उस अनुपात में सबको आरक्षण दिए। जितने दबे कुचले हैं तो उन लोगों को जो है आरक्षण जो है हम देखें, इसी चलते ये जो है कानून बिहार में जो लागू हुआ था, आपके दोनों सदनों से पास करा के ये लागू हुआ था, ये ढिढोरा पीटने वाला नहीं था। और इसमें नीतीश जी के आप ये देखिए कमिटमेंट का देखिए कि जब जातीय आधारित जो गणना हुआ था उस समय भी हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, फिर हाईकोर्ट में अपील करके इस केस को लड़ा गया और बिहार सरकार ने उस केस को जीता और फिर सर्वे करा के जो है इस कानून को लाया गया, ठीक है। तो इसमें ढिढोरा पीटने वाला नहीं, उनकी नियति रही है कि जो हम जो वो जो कहते हैं वो कमिटमेंट रहता है वो पूरा करते हैं, और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रही बात नियुक्ति की, तो नियुक्ति होगा और जो आरक्षण का प्रावधान है उसके तहत ही होगा। अब जो आरक्षण का प्रावधान बच गया है पुराना वाला, उस पर होगा या नीतीश कुमार ने जो नया वाला प्रयास किया था उसके आधार पर कोई गुंजाइश है? ना बिल्कुल गुंजाइश है। अभी आप देखे होंगे आज के जो जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खारिज थोड़ी किया है, वो बोला कि हम अभी नहीं करूँ। जब आप जजमेंट पढ़े होंगे तो दिया है कि ली बैरोन वर्ड यूज किया गया है कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको जो है हम लोग अच्छे से हियरिंग करेंगे और इसके बाद डिसीजन देंगे। इसी चलते सितंबर में वो डेट रखा गया है, इस हियरिंग के बाद जो है उस सुनवाई करेगी और इसके बाद फैसला आएगा। तो इसमें कहा है हम लोग इस केस को पहले भी जीते हैं, जैसे जातीय आधार जनगणना वाला मामला हुआ था उस तरह भी ये केस हम लोग जीतेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस है, पूरे पॉजिटिव। लेकिन वो केस का नेचर कुछ और था, ये केस का नेचर कुछ और है। बहरहाल सुमित जी से समझ लेते हैं, इनकी पार्टी के नेता हर मंच पर कहते आए हैं कि अगली बार हम वोट मांगने तब आएंगे जब 10 लाख नौकरी और 10 लाख नियुक्तियों रोजगार वाला व्यवस्था पूरा कर लेंगे, वो वादा पूरा कर लेंगे। अब जब आरक्षण का मैटर फंस गया है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के बारे में कहा जाता है एक बार गए तो चप्पलें घिस जाती है, पीढ़ियां खप जाती है फैसला आते आते, कहीं वो स्थिति न बन जाए और चुनाव खत्म हो जाए। सुमित जी, देखिए दो प्रश्न निकल करके आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो माननीय कोर्ट का, मैं और मेरी पार्टी, और मुझे लगता है कि देश में जो भी विभिन्न पार्टियां हैं वो सभी लोग उसका सम्मान करती है, लेकिन इसके अलावा अगर समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों के लिए, उनके सपनों को जीवंत करने के लिए, खास करके एक ऐसा तबका जिसको वर्षों तक वंचित रहना पड़ा, शोषित रहना पड़ा, और उसके लिए अगर किसी ने काम किया आगे बढ़ करके तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और एनडीए की सरकार ने किया। इसी की दिशा में, और इसी दिशा में आपने देखा होगा कि बिहार के जो माननीय नेतागण हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो नेतृत्व है, उसने लगातार आरक्षण देने के लिए वकालत की। आपने मंडल कमीशन का भी अब अगर आप उदाहरण लेकर के देखें, पूर्व में 90 के दशक में जा करके देखें तो 3,370 से भी ज़्यादा उपजातियों को, ओबीसी की उपजातियों को जो आरक्षण प्रदान किया गया, इसको रोकने का प्रयास सदन के पटल पे किसने किया था? इसको रोकने का प्रयास तो राजीव गांधी और ऐसे लोगों ने किया था। ये भी तो देखने की बात है ना, ये इंडिया अलायंस का स्वरूप कैसा है और किस प्रकार से
एनडीए का नेतृत्व लगातार से वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के सम्मान और मान के लिए लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी मामला जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है और माननीय कोर्ट के द्वारा दिए गए बातों पर, वक्तव्यों पे कहीं से भी प्रतिक्रिया देना किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है कि अभी हमें रुकना चाहिए और चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट जो हैं चीज़ों को देख रही है, सरकार भी अपने नज़रिए से चीज़ों को संज्ञान में लेकर के देख रही है और निश्चित ही कोई सकारात्मक प्रयास जो है वो निकल करके आएगा। और विपक्ष किस नज़रिए से और किस तरह से इस मामले का संज्ञान ले रहा है वो भी एक बार जान लेते हैं। क्या कहेंगे आरजू जी? देखिए, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, हमारे अलायंस पे जब नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया थे, उस वक्त हम लोगों ने एक मिसाइल कायम किया था पूरे देश के पटल पे। बिहार राज्य पहला ऐसा राज्य बना था जहाँ जातिगत जनगणना हुई थी और इसी तर्ज पे हम सभी लोगों का ये थमांग थी कि इसी तरीके से पूरे देश में हर राज्यों में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथी बैठे हैं सुमित ससांक, उन्होंने कहा कि ये हमेशा से आरक्षण के साथ में रहे हैं, लेकिन मैं सवाल ये है मेरा काउंटर इनसे कि 10 सालों तक और फिर ये 15वें साल में ये सरकार चला रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बिहार के तर्ज पर और किसी राज्य में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो है कोर्ट में लंबित मामला है, इस पर हम भी कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है बहुत इज्जत करते हैं। और दूसरी बात ये रही कि जब हम जा रहे थे 75% जब आरक्षण हो रहा था, बिहार में आरक्षण बढ़ाया गया था हमारी महागठबंधन की सरकार में, तो हाई कोर्ट में जनरल सोलिसिटर को किसने नियुक्त किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। ये चीज़ अतीत में है, इसको याद कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को मान के चलते हैं, आरएसएस की विचारधारा को, मोहन भागवत ने 5-6 साल पहले क्या कहा था पूरे देश के पब्लिक डोमेन के सामने, ये है चीज़ कि आरक्षण ख़त्म होने वाला है और उस पर बाकायदा 2015 का विधानसभा इलेक्शन लड़ा गया। और ये इंडिया एयरलाइंस की बात कर रहे थे सुमित ससांग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनको ये बता दूं, इंडिया एयरलाइंस का जो हम लोगों का मैनिफेस्टो था उसमें साफ था कि मंडल कमीशन में जो शेष बचे हुए हैं अगर हमारा इंडिया एयरलाइंस आता है तो हम उसको भी लागू करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे बिहार में आरजू जी वो बात हो गई ना कि डूबने लगे तो अब तिनके का सहारा तलाश रहे हैं। नहीं, देखिए, हम मंडल कमीशन कब की बात है, कितना मौका था आपके पास, आपके सहयोगियों के पास, पूरा INDIA अलायंस के पास, जो पहले यूपी कहा जाता था। पूछ लीजिए 2005 से पहले लालू जी कौन आरक्षण दे रहे? चलिए, आपने पूछ ही लिया, हम क्यों पूछे? आपने ही पूछ लिया जवाब। कौन आरक्षण आ रही बात इन जो बोल रहे हैं कि हमारा ये इंडी अलायंस का ये मैनिफेस्टो में था, झारखंड में तो है गवर्नमेंट, काहे नहीं करवा लिए? हमने बोलने का चीज बहुत अच्छा लगता है। सुन लीजिए, करने में तो जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, करने में और कहने में यहाँ दो चीजें जो है, जो दो सवाल हमारे ऊपर जो है ब्लेम कर दिया गया कि लालू जी ने ब्लेम नहीं, सही हकीकत है, लालू जी ने वो किया, लालू जी ने वो किया, क्या किया? एक सामंतवादी, एक मनुवादी विचारधारा को उन्होंने मारने का काम किया था। अरे जो कानूनी रूप से वो बात करिए, आप चले जा रहे हैं, कानूनी प्रारूप से किसने दिया दलितों, वंचितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को सम्मान दिया? कितना, किसने सम्मान दिया? और यूपीए के गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं किया? यूपीए के गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं किया? को सम्मान कौन दिया? आप जिस गठबंधन के साथ हैं, आप जिस गठबंधन के साथ हैं पटेल जी, आप ये बताइए कि जिस गठबंधन के साथ है उसके शीर्ष नेतृत्व से कहिएगा कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुई वो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं करवाती है सरकार? उनकी सत्ता, उनकी डबल इंजन तो की सरकार, आपकी भी सरकार, आप बताइए ना सर, वो तो हम आपके साथ थे ना। इंडिया गठबंधन पर भी आपने आरोप लगाया, जब विचारधारा की बात आई तो आप वहां विचारधारा से पलट गए, अजीत जी ने सवाल खड़ा किया तो आप वहां चले गए, और आप मोहन भागवत और बीजेपी जिस पार्टी के विचारधारा को फॉलो करके वहां पहुंच गए। तो एक जवाब सुमित जी की, एक जवाब सुमित शशांक जी ने जो बात उठाया, बिल्कुल आपने आरोप लगाया तो अब जवाब भी सुन लेते हैं। लगाया मैंने, उसका खंडन किया। अब आपने जो लगाया उसका आरोप का जवाब सुन लेते हैं सुमित जी। देखिए, मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ता कहीं ना कहीं अति उत्साह में ये बातें कर रहे हैं। इनके पास अगर ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं ना, तो एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बहुत अच्छे से समझते होंगे। इनको देखना चाहिए, ये ऐसी पार्टियों के साथ इन्होंने समीकरण बना के रखा है ना, जिन लोगों ने दक्षिण भारत में OBC का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम किया, जिन लोगों ने SC ST का आरक्षण छीनने का काम किया,
जिन लोगों ने आरक्षण को लूटने का काम किया, गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, शोषितों को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया, और आदिवासियों के संसाधनों को, उनके जंगलों को छीनने का काम किया, उनको कहीं ना कहीं मरने के लिए छोड़ दिया, और उन्हीं आदिवासी माताओं बहनों के लिए जब वो गर्भावस्था में रहती हैं और शिशु प्रजनन के दौरान उनको जब मर जाना पड़ता था, उनके लिए हॉस्पिटल बनवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनको उनके लिए शौचालय बनवाने का काम एनडीए की सरकार ने किया, उनको आरक्षण दिलवाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। ये कैसा आरक्षण है जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर इसका कैसे क्रेडिट ले सकते हैं सुमित जी? मैं तो वही जो चीज हुआ ही नहीं उसका क्रेडिट कैसे लेंगे? इससे पूर्व में लगातार एक सोच और विचारधारा होती है, काम करने की शैली होती है। जो बीत गई वो तो अब तक जैसी थी वैसी थी, अब आगे क्या बेहतर करने की कोशिश हो रही है एनडीए सरकार बिहार में जो कर रही है? जो पहले INDI अलायंस वाली सरकार थी, महागठबंधन वाली सरकार थी, दोनों अब इसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं जब उसे खारिज कर दिया दीपक गया? दीपक जी, निश्चित रूप से मैं आपको ये देश की यशस्वी जनता को आश्वासन देना चाहता हूं। देखिए, माननीय कोर्ट और लोकतंत्र में एक प्रमुख स्तंभ में कहीं ना कहीं न्यायपालिका का की भूमिका होती है। न्यायपालिका के द्वारा कहे गए वक्तव्यों पे टीका टिप्पणी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जो कि मैं नहीं करने वाला हूं। लेकिन इसके अलावा भी राजधर्म पार्टियों को निभाना चाहिए, तो उस राजधर्म के तहत चीजें जब संज्ञान में आती हैं, सदन के पटल पे आती हैं, तो वहां से वही चीजें निकल करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार निर्णय पर, कोर्ट के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी करने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी की स्थिति जो है कोर्ट के फैसले के बाद, एक तो हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि अभी की स्थिति है कोर्ट के फैसले के आधार पर कि जो आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने बढ़ाया था वो अमान्य है, वो नल है, इनवैलिड है, तो अब अगर नियुक्तियां होंगी तो वो पिछले आरक्षण के तौर पर होगी, तो फिर ये बढ़ा हुआ का ढिंढोरा ही तो पीट रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि बिहार सरकार की जो नीति है और जो नियत है सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की, उस नीति और नियत पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े होते हैं। वहां तो कहीं ना कहीं हम सफल होते हैं, लेकिन इसके अलावा माननीय कोर्ट में, मैं बार बार कहता हूं कि माननीय कोर्ट में चीजें लंबित हैं, परंतु इसके अलावा का दायरा बढ़ा, ये कटौती सामान्य वर्ग का ही हो रहा था। जब आप पूरी बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे। पूरी बात तो मिसलीडिंग बात तो ना कीजिए। नहीं नहीं, मिसलीडिंग आप कह रहे हैं सामान्य वर्ग को, ये कटौती सामान्य वर्ग के हिस्से से ही की गई थी ना, जो बढ़ोतरी हुई है। सामान्य वर्ग के हिस्से से कोई कटौती नहीं है, सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति। अब ये आपदा में आप अवसर तलाश रहे हैं कि कोर्ट ने खारिज कर दिया तो उसमें हम सामान्य वर्ग के हितैषी हो गए। सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति। जी, अजीत जी की बात काम कर रहे हैं। चलिए, हम फिर आपके पास आएंगे, अजीत जी की बात सुन लेते हैं। हिस्सेदारी की बात यहाँ पे किसी के हिस्सेदारी का हनन नहीं हो रहा है, ये छीना जा रहा है। सबसे आपका जो मूल प्रश्न है कि जो आपका नौकरियों नियुक्ति में जो है, इस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इस डिसीजन का कोई, इसे थोड़ा सा वेट करिए आप, सितंबर में, एक महीने की बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में कोई नई वैकेंसी आ रही है। अजीत जी थोड़ा सा वेट करने बोल रहे हैं, लेकिन एक महीने में कोई नई नियुक्ति, थोड़ा सा वेट होता ही नहीं है। बहरहाल, हमारी मजबूरी है कि हम अपने दर्शकों को कहें थोड़ा सा आप भी वेट कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया था, वो अब असंवैधानिक करार दे दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है। सितंबर की तारीख दी गई है, लेकिन अगले 2 महीने में नियुक्तियों की बहार आने वाली थी, कई विभागों से हजारों की संख्या में नियुक्तियां निकलने वाली थी। अब उन नियुक्तियों का क्या होगा, और वो नियुक्तियां अगर सही तरीके से आगे बढ़ती है, प्रक्रिया में जाती है, तो फिर आरक्षण का लाभ क्या उन्हें मिलेगा जिनके लिए सरकार श्रेय ले रही थी? एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हैं, शुरुआत आरजू जी से करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो नियुक्तियों का ढिंढोरा RJD पीट रही थी, इसको लेकर चुनाव में काफी वाहवाही बटोरी जा रही थी, अब एक बार फिर नियुक्तियां होने वाली है। आरजू जी, क्या लगता है क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ है ये जो बोल रहे थे कि जो क्रेडिट ली जा रही थी, इस चीज़ को मैं बता दूं कि अभी आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी से 2-2 डिप्टी CM हैं। कोई भी काम अगर सरकार में होता है तो क्या उनका उनका कुछ उसमें कैरेक्टर नहीं होता है? आप इस चीज़ को पहले क्लियर करवा लीजिए पूरे देश के पटल पे। तो हम अगर डिप्टी CM थे हमारे, और हमारे शिक्षा मंत्री थे, हमारे पास विभाग था, उस बगल में हुआ तो हमारी क्रेडिबिलिटी थी या नहीं थी? या फिर अभी जो दूसरी सरकार जो बैठी हुई है उसमें दो दो
भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, तो क्या मतलब उनका कोई कैरेक्टर कोई रोल नहीं है? इनके शिक्षा मंत्री का काम क्या था, मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, इनके शिक्षा मंत्री का काम था कि ये बताना कि रामचरितमानस जो है उसकी चौपाइयां दिग्भ्रमित करने वाली हैं, रामचरितमानस को अपशब्द बोलना, ये इनके शिक्षा मंत्री, ये इलेक्शन में जनता ने डिसाइड कर दिया है, ये निश्चित रूप से देखा है। तो बस इस चीज को आप गाली देना, बस सनातन को अपमानित करना, आप ही अकेले थोड़ी सा भटकाना नहीं चाहता, मुद्दे को भटकाना नहीं, सनातनियों के आप थोड़ी गाली देने का भी कोई ठेकेदार नहीं है। रामचरितमानस की चौपाइयों को अपमानित करने का इतना कोई ठेकेदार नहीं है, ये भी तो देख रहा है, इतना जो सम्मान है ना आपके दिलों में, लालू जी की पार्टी महिलाओं के लिए क्या कि रामचरितमानस आप दे दीजिए, कहेंगे ये लोग, बोल तो रहा हूँ कि देश की जनता सब देख रही है, कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बताने का काम करेंगे ये लोग, लालू जी के रास्ते पे जाके सबका समझ जी, रामचरितमानस को मदरसा में लिखा गया था, आरक्षण पे आ जाते हैं ना, पार्टी के नेता कहते हैं ना, समझ जी, लालू जी मदरसा मस्जिद ठीक है, हो गया शिक्षा मंत्री की बात हो गई, जिसको पूरे बिहार में कहीं ना कहीं, आरजू जी एक सेकंड रुकिएगा, सुमित जी जाना जाता, सुमित जी आरक्षण की बात कर लेते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं उस पर छोड़िए ना, आपकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं उस पर आइए, अगर 10 लाख नौकरियां नहीं हुई तो वो चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे, क्या होंगी वो नौकरियां? निश्चित रूप से और होंगी तो क्या उन्हें आरक्षण मिलेगा जिसके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लोगों को नौकरियां प्राप्त होगी, सबसे ज्यादा आरजेडी के लोगों को परेशानी, आरजेडी के नेताओं को परेशानी इसलिए है कि इन लोगों ने तो नौकरियां बांटी नहीं, इन लोगों ने क्या किया, क्रेडिट चोरी करने का काम किया, सुमित जी नीतीश आप क्रेडिट लीजिए ना, आप क्रेडिट लीजिए ना, आप ये बताइए 10 लाख नौकरियां होंगी, निश्चित रूप से ये आप दावा कर रहे हैं, क्या 10 लाख आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया था वो लोग भी लाभान्वित होंगे? जो भी कानून संबद्ध आरक्षण उस समय प्रावधान में होगा उसके तहत सभी बिहार के लोगों को लाभ होगा, चलिए आपकी बात आ गई, दलित पीड़ित और समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचे, ठीक है अजीत जी की बात सुन लेते हैं, अजीत जी कोर्ट की बात आप कह रहे थे, थोड़ा इंतजार कीजिए, आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, आरजू जी आपके पास आएंगे, अजीत जी ब्रेक से पहले कह रहे थे थोड़ा इंतजार कीजिए 2 महीने बाद, लेकिन 2 महीने बाद तो सुनवाई की तारीख है और कोर्ट में केस कितना लंबा चलेगा कोई गारंटी नहीं है, अजीत जी फिर कैसे आप कह रहे हैं दावे के साथ? देखिए आपको हम बस एक मिनट में आपका जवाब देते हैं, देखिए कोर्ट ने आज क्या बोला, कोर्ट आप जो बोल रहे हैं कि नियुक्तियों पे मतलब आप डाउट ऑफ चीज डाउट चीजें से देख रहे हैं कि नियुक्ति कैसे होगा, रोक लग जाएगा, बिल्कुल इसमें नियुक्ति होगी लेकिन हाँ। क्या आरक्षण का ये वाला प्रावधान तो रहेगा जो नीतीश सरकार ने बढ़ाया है? सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, हम इसको सितंबर में सुनेंगे, महत्वपूर्ण विषय है, ली ब्रेन वर्ड यूज किया है कि ली ब्रेन ये है, ऐसे केस जो है इसको हम बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसको बहुत समय देके हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ऐसे तो नहीं कि पूरा अवैध करार कर ये कर दिया, डिसीजन कर दिया, हाईकोर्ट ने दिया है बिल्कुल, तभी तो हम अपील कर रहे हैं, वहां पे लड़ रहे हैं। रही बात नियुक्ति का, तारीख तो पे तारीख क्या चुनावी तारीख से कोई पहले निपट तारीख चुनाव नहीं होगी, सरकार नीतीश जी की नियति है और नियति में कहीं खोट है ही नहीं, तो तारीख से तारीख वाली क्या बात है, हाईकोर्ट का कब डिसीजन, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद हम अपील, हम कहीं रुक गए थे हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद, क्या हम रुक गए, सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं गए, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन का वेट करेंगे, इलेक्शन का आएगा समय तो हम जाएंगे, यही आप देखने वाली चीज है, नीतीश जी की नीति दिखे, आप बोल रहे हैं क्रेडिट लेने का, क्रेडिट लेने का सवाल ही क्या पैदा, हम क्रेडिट लेते नहीं है, जनता नीतीश जी को क्रेडिट देती है। अजीत जी कोर्ट से एक आसान रास्ता है, कोर्ट के बगल में एक और भवन आप है, जो रास्ता का बात कर रहे हैं बता दे रहे हैं जी, आप बोल रहे हैं कि 9वीं अनुच्छेद में शामिल कर देगा, उस पे भी विचार किया जा रहा है, उस पे भी अमल किया जा रहा है, सुमित जी क्या कहेंगे उस पर? ऐसा नहीं है कि 9वीं अनुच्छेद के लिए, कानूनी प्रक्रिया जो है संवैधानिक प्रक्रिया किसके लिए बनी होती है, संविधान का निर्माण राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए है, जिसमें देश के लोगों का हित निहित होगा, जिसमें समाज के बड़ी आबादी का हित निहित होगा, निश्चित रूप से उन हितों को देखते हुए, तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे में भी निहित था, कहां वो हित पूरा, बिहार को तो 60,000 करोड़ से ज्यादा
पैकेज प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं जो चीजें जीवन में कभी बिहार को नहीं प्राप्त हुई थी वो सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, पलायन रोकना और उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिहार के बच्चों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करना, उनको नौकरी प्रदान करना, बिहार के बच्चों के पलायन को रोकने के लिए काम करना, इन लोगों ने तो क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया था बिहार का, लूटतंत्र मचा के रख दिया था। ये भी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए दीपक जी, बिल्कुल आप ही के लिए समय। दो तीन काउंटर इन्होंने क्वेश्चन किए हैं, मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्होंने दक्षिण की बात की थी, दक्षिण में कैसे किसी से दूसरे से जो है आरक्षण छीन के दूसरे अल्पसंख्यकों को दे दिया गया, इनका मेन मोटिव वही था कहने का। तो मैं इनको ये बता दूं, इनका जो डबल स्टैंडर्ड है ना, दोहरा चरित्र, ये पीडीपी के मैं आ रहा हूं उस पे, नहीं मैं सब सवाल का जवाब दूंगा, मैं विपक्ष के नाते, उन्होंने वो सवाल उठाया था, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं दूंगा। बात सुन लेते हैं एक बार, क्या बोले अजीत जी, देखिए उन्होंने सवाल उठाए थे शशांक जी ने, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद इस जवाब पे भी आऊंगा। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। इन्होंने कहा कि दक्षिण में आरक्षण दूसरे से छीना गया। अब ये बताइए कि पीडीपी के साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन थी उसमें तो चार मस्जिदों के रख रखाव के लिए देने वाले थे 5,000 से 10,000 रुपए, नूरी भाषा कॉर्पोरेशन को देने वाले लोग थे। अगली बात पे नहीं, मेरी बात सुन लेने दीजिए, मेरी बात को पूरी कर लेने दीजिए। शशांक जी ये गलत तरीका है, जवाब शशांक जी ये गलत तरीका है। चलिए आरजू जी अगली बात, मैं आपके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, ऐसे समय खत्म, अगली बात जवाब देने दिया जाए, अगली बात पर आइए जी, अगली बात। और ये जो है वैसे लोगों के साथ जो है ये पीडीपी के साथ गठबंधन किए थे, ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ कह रहे थे कि दूसरे से आरक्षण छीना जाता है और मुसलमानों को दिया जाता है, एक तरफ पीडीपी के साथ मिलते हैं और उसके साथ में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, नूरी भाषा कॉर्पोरेशन के लिए करोड़ों रुपए, तो मस्जिद के इमाम के लिए, बीजेपी मुसलमानों को आरक्षण। और मैं बता दूं दूसरी चीज, इन्होंने जो कहा अजीत भाई ने, मैं ये बताऊं जातीय जनगणना किस लिए करवाया गया था, इसीलिए करवाया गया था कि जितनी जातियां पीछे रह गई है, वो 1990 में हुआ था, वो 1990 में लालू जी करवाए थे, अरे नीतीश जी का महागठबंधन की सरकार में हुआ था। आप इसको एक्सेप्ट करिए, क्या नहीं मानिएगा कि हम आपके गठबंधन में शामिल थे? आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं 2002? चलिए श्रेय अधूरा तब तक है, अरे नीतीश जी ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास वक्त नहीं बचा अजीत जी, ठीक है अब हमारे पास वक्त नहीं बचा, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत पटेल जी, आरजू खान जी और सुमित शशांक जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, श्रेय तब तक अधूरा है जब तक काम पूरा ना हो, और अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अगर नियुक्तियां होती है तो आरक्षण का रोस्टर क्या होगा, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के समक्ष, कि नियुक्तियों को चुनाव से पहले पूरा भी करना है और चुनाव से पहले जो आरक्षण का वादा किया गया था उस वादे पर खरा भी उतरना है। दो धारी तलवार पर सरकार है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, और विपक्ष सरकार की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।